सोलन नगर परिषद में पानी के बिल एकत्र करने के लिए एक ही काउंटर लगाया गया है, जिसके चलते यहां लंबी कतार देखने को मिलती है, जिसके चलते नगर परिषद में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की अनुपालना नहीं हो पाती। इसलिए नगर परिषद जल्द ही ऑनलाइन पेमेंट आरंभ करने जा रहा है, जिसके लिए नगर परिषद ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये जानकारी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का लक्ष्य है कि शहरवासियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए वे कार्यरत हैं। अधिक जानकारी देते हुए कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जल्द ही नगर परिषद ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आरम्भ करने जा रहा है, जिसके लिए निजी बैंक से उनका करार हो चुका है। जल्द ही ये सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध होगी। इस सुविधा के मिलने से शहरवासियों को बिल जमा करवाने के लिए नगर परिषद नहीं आना पड़ेगा और वे ऑनलाइन ही पानी के बिलों को भुगतान कर पाएंगे, जिसकी वजह से नगर परिषद में भीड़ भी एकत्र नहीं होगी और सभी कोरोना संक्रमण से भी बचे रहेंगे। हमने इस मामले में सबसे पहले पिछले वर्ष भी इस सोच विचार किया था, नगर परिषद की मीटिंग भी हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम दो तीन प्रकार के टैक्स कलेक्ट करते हैं लोगों से, तो लोगों की आवाजाही भी यहां पर बंद हो जाएगी, लोगों को सहूलियत भी प्राप्त होगी और अपने घर से ही लोग ऑनलाइन बिल अगर जमा करवाते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने HDFC बैंक के साथ अनुबंध किया है, जो कि हमारे डायरेक्टरेट लेवल पर पहले MOU साइन हुआ था इस बैंक के साथ, कि ये हमारे को सारे बिलों के लिए जो हम जितनी भी हमारी यहाँ पर कलेक्शन होती है, काउंटर हमारा बंद होना चाहिए और सारे बिल्स की जो ऑनलाइन कलेक्शन होनी है उसके लिए हमने बैंक को काम दिया हुआ है, बैंक अपने काम पे लगा हुआ है। और जो ये COVID-19 का जो बीच में संक्रमण काल आया, इससे पूर्व हमारा कार्यक्रम चल पड़ा था, लेकिन इस कारण से 3-4 महीने तक ये काम हम उठा नहीं पाए, इस काम को सिरे नहीं चला पाए, तो आज फिर भी काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में मेरे को विश्वास है कि हम 100% कलेक्शन जो है वो ऑनलाइन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा, क्योंकि हमें कोविड के साथ आगे जीना है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे काउंटर पर लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी, हमारे स्टाफ की और काम के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी काम आएगा ऑनलाइन और आम जनता को भी इसके सुविधा मिलेगी। इसके लिए काम प्रगति पे है और थोड़े ही समय में इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे और लोगों को ऑनलाइन की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।